नमस्कार, आपके साथ मैं नंदिता कुडेशा हूं। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को 2019 में मायावती और ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री पद देना मंजूर है। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में ऐसा कहा है। उन्होंने कहा कि जो भी मोदी बीजेपी और आरएसएस को हराने में उनकी मदद करेगा उसे प्रधानमंत्री बनाने में उन्हें कोई एतराज नहीं है। 18 मई 2018 को ही राहुल गांधी ने खुद प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी का ऐलान किया था, लेकिन 1.5 महीने में राहुल गांधी का टारगेट अब बदल गया है। अब उनका टारगेट खुद को प्रधानमंत्री बनाने का नहीं है, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी को पद से हटाने का है। महज 77 दिनों में राहुल गांधी की प्रधानमंत्री बनने की तमन्ना ने दम तोड़ दिया। 8 मई को राहुल गांधी ने ऐलान किया था कि वो प्रधानमंत्री बनने को तैयार हैं। Will you be the Prime Minister? Well, that depends. That depends on how well the Congress Party does. No, I'm talking of alliances. I mean, the Congress Party, if it's the biggest party, yes, we will. Wish you all the best. Thank you. समय बदल चुका है। मोदी को 2019 में हराने के लिए महागठबंधन की नींव पड़ चुकी है, लिहाजा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी का भी लक्ष्य बदल चुका है। प्रधानमंत्री बनने की लालसा रखने वाले राहुल गांधी किसी भी तरह से बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंकना चाहते हैं, आरएसएस को हराना चाहते हैं, मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हराना चाहते हैं। क्या अभी तो चर्चा प्रारंभ हुई थी, मतदान नहीं हुआ था, जय पराजय का फैसला नहीं हुआ था, फिर भी जिनको यहाँ पहुंचने की उत्साह है, उठो उठो उठो। न यहाँ कोई उठा सकता है न बिठा सकता है, 125 करोड़ देशवासी बिठा सकते हैं, 125 करोड़ देशवासी उठा सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि जो भी बीजेपी के विजय रथ को रोकने में उनका साथ देगा उसे वो प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। राहुल गांधी ने कहा कि वो बीएसपी अध्यक्ष मायावती या फिर तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री बनाने को तैयार हैं। देश की जनता चाहती है कि देश को नया प्रधानमंत्री मिले। हम नए प्रधानमंत्री बनाने के पक्ष में है और आने वाले समय में आप देखेंगे कि नया प्रधानमंत्री बनेगा। प्रधानमंत्री बनने की चाहत छोड़ देना राहुल गांधी का सिंहासन दान है या फिर सरेंडर, ये एक बहस का विषय है। हालांकि पार्टी ने राहुल गांधी की पीएम बनने की चाहत को स्वीकार कर लिया था। कांग्रेस सबसे बड़ा राजनीतिक दल है विपक्ष में, स्वाभाविक तौर से कांग्रेस के अध्यक्ष प्राकृतिक तौर से प्रधानमंत्री पद के दावेदार हैं। राहुल गांधी का आत्मविश्वास 2019 के लिए तीन चेहरों पर है। राहुल गांधी के लिए मोदी को हराने की ये त्रिशक्ति है। पहली शक्ति है तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी, दूसरी शक्ति बीएसपी अध्यक्ष मायावती और तीसरी शक्ति है उनकी अपनी बहन प्रियंका गांधी। सूत्रों के मुताबिक पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी से सक्रिय राजनीति में आने की अपील की है। राहुल इसी त्रिशक्ति से मोदी को 2019 में हराने का सपना देख रहे हैं। हालांकि बीजेपी को महागठबंधन के अस्तित्व पर ही इनकार है। राहुल गांधी के उम्मीदवारता के बारे में तो एक तो भूकंप आ गया है विपक्ष के उस एकता में, अब तो ऐसे भूकंप आएगा वो कहीं का नहीं रहेगा, सब अलग तलग पड़ जाएंगे। हर रोज बदलते समीकरणों पर बीजेपी और मोदी विरोधी दलों में असमंजस जैसे हालात हैं। महागठबंधन के तराजू में कभी राहुल गांधी का पड़ा भारी है तो कभी दूसरे दलों का। कांग्रेस का नेतृत्व चुनाव में प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर राहुल जी करेंगे, इसमें कोई संशय पहले भी नहीं था और एक औपचारिक निर्णय मैं समझता हूँ ये लिया गया है। गठबंधन ने नहीं तय किया है अभी कि राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे, वो तो कांग्रेस की अकेली अपनी पार्टी की बैठक थी उसमें तय हुआ कि वो कांग्रेस के प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे। 2019 के लोकसभा चुनावों में अभी महीनों का वक्त बाकी है, लेकिन रस्साकशी अभी से शुरू हो चुकी है। महागठबंधन की नींव तो पड़ चुकी है, लेकिन सीटों को लेकर समझौता अभी बाकी है। 2019 में महागठबंधन जीता तो प्रधानमंत्री कौन बनेगा, ये फिलहाल मुंह जुबानी ही है। रवि त्रिपाठी, जी मीडिया, दिल्ली।
राज्यसभा सांसद अमर सिंह ने महागठबंधन के नेता राहुल को पीएम पद का दावेदार मानने के लिए वो तैयार नहीं है। खबर आ रही है कि कांग्रेस अब अपने सहयोगी दलों में से भी किसी को प्रधानमंत्री बना सकती है, यानी कांग्रेस का महिला कार्ड है सर, के मायावती ममता बनर्जी के नाम पर भी कांग्रेस तैयार हो सकती है। कुछ ही दिन पहले ये आई थी खबर कि राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, एकाएक इतना बदलाव आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, बदलाव इस बात का द्योतक है कि कांग्रेस कार्य समिति के निर्णय के बाद और उद्घोषणा के बाद तेजस्वी यादव का बयान आ गया कि सत्ता के स्वयंवर में सत्ता की सजनी के को चाहने वाले कई राजकुमार हैं और उन्होंने एक लंबी चौड़ी सूची दी कि चंद्रबाबू नायडू भी हो सकते हैं, ममता भी हो सकती है, तमाम लोगों का नाम उन्होंने गिना दिया, मायावती भी हो सकती हैं। उसमें सौभाग्य दुर्भाग्य से यदुबंधुओं का नाम नहीं था, क्योंकि लालू जी जेल यात्रा कर रहे हैं, मुलायम सिंह जी प्रासंगिक नहीं रहे और अखिलेश जी इतने कनिष्ठ हैं कि उनको वरिष्ठ मानने के लिए कोई तैयार नहीं। तो इस विश्लेषण के बाद संभवतः उन्होंने कहा, सोचा होगा, कांग्रेस ने सोचा होगा, मैं राहुल जी का नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि राहुल जी कांग्रेस की आवाज़ है, वो सोचा होगा कि जब कोई स्वीकृत करने के लिए तैयार नहीं है तो इस मुद्दे पर लड़ाई की उद्घोषणा और निष्कर्ष के पहले ही खटास करने का कोई तात्पर्य नहीं है। तो व्यवहारिकता को संज्ञान में लेते हुए उन्होंने कह दिया कि कोई बने, हमें आपत्ति नहीं। और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी से जब ये पूछा गया कि क्या किसी महिला कैंडिडेट के लिए राहुल पीएम की दावेदारी छोड़ देंगे, तो अधीर रंजन ने कहा कि ममता बनर्जी बंगाल को संभाल नहीं पाई, देश क्या संभालेंगी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी हमारे साथ हैं। चौधरी साहब, ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी महिला कार्ड खेलने की तैयारी में है, वो खुद प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते हैं, चाहे मायावती बन जाए चाहे ममता बन जाए, उनको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, ममता बनर्जी के बारे में मैं जानता हूँ कि ममता बनर्जी के बारे में अगर हमारे पार्टी ये सोचे तो बेबुनियाद बातें हैं, क्योंकि ममता बनर्जी बंगाल संभालने नहीं सकते, वो कैसे देश संभालेगी। और ये सारे बेकार ख्वाब है, ममता बनर्जी वहाँ ऐलान करती हैं कि हम 42 आसनों छीन कर ले लेंगे, पहले वो 42 आसन तो लेने दीजिए, उसके बाद 272 में पहुंचने की बात आएगी बाद में। ये सारे बेकार ख्वाबे हैं, ये ख्वाब कोई देख सकती है, इसमें हमें कोई एतराज नहीं है। अगर किसी ने कोई ख्वाब देखे चाहे दिन में हो या रात में हो, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, लेकिन ख्वाब तो ख्वाब ही होते हैं। ख्वाब देखने का मौका तो आपकी पार्टी दे रही है। मेरा पार्टी किसी को ख्वाब देखने का मौका नहीं दिया। ममता बनर्जी की हमारे पार्टी कभी नहीं कहा कि हमारे पार्टी ममता बनर्जी को हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री बनाने के लिए कोई कवायद कर रहे हैं। देखिए, एक एक जन के मैं नहीं कहता, चलिए, तो हम लोगों ने कभी नहीं कहा, और ये ममता बनर्जी का ख्वाब है कि वो प्रधानमंत्री बन सकती है देश का, हमारी पार्टी तो कभी कह ही नहीं सकती, ये कहना अधीर रंजन चौधरी का। और बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा है कि राहुल गांधी को पता है कि वो कभी पीएम नहीं बन सकते। स्वामी जी, दो दिन पहले CWC में राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा जाता है कि वो प्रधानमंत्री का उम्मीदवार होंगे, अब राहुल गांधी महिला पत्रकारों से बातचीत में खुद ही कबूलते हैं कि कोई भी महिला, चाहे मायावती हो, ममता हो, कोई प्रधानमंत्री बने, मैं RSS को रोकने के लिए किसी को भी प्रधानमंत्री बना सकता हूं। तो ऐसे ही बहाना है, उनको कोई बनाने के लिए तैयार ही नहीं थे, इसीलिए मैंने कहा कि यूनाइटेड नेशंस का अध्यक्ष बनने ट्राई करो, अमेरिका का बनने या रशिया का बनने, उसमें तुम्हें चांस ज़्यादा है। तो उसको तो कोई बनाने के लिए कोई तैयार नहीं है। वही देखिए, जिस उस समय इसकी सारी चांसेस ख़त्म हो गए जब ये अपने सीट से उठकर जाकर गला लगाया प्रधानमंत्री के साथ, इसे ऐसे जिसमें स्पीकर ने भी कंडम कर दिया उसको कि ऐसा पार्लियामेंट की मर्यादा का भंग आपने किया। तो जब इस व्यक्ति को हमारी देश के बारे कुछ पता नहीं है, जब भी थोड़ा थकावट होती है तो लंदन चले जाते हैं नाइट क्लब में, तो ऐसे व्यक्ति को कौन मानेगा? इस धरती में जो रहते हैं, धरती से जुड़े हुए हैं, उन्हीं को इस देश मानेगा। और संसदीय कार्य मंत्री अनंत कुमार ने कहा है कि बीजेपी का विरोध करते करते कांग्रेस हताश हो गई है और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। RJD सांसद मनोज झा ने कहा कि कांग्रेस की तरफ से पीएम पद की दावेदारी पर ऐसी कोई बात नहीं हुई है। उम्मीदवारता के लिए कोई सहमति नहीं है उनके साथी पार्टियों में, इसका कारण ये विकट परिस्थिति शुरू हो गई है। और जब ऐसी स्थिति पैदा होता है, वो हताश होकर के, निराश होकर के, कोई भी बने, कैसे भी बने और कोई भी बने तो भी हम उसको समर्थन देंगे, ऐसे नए सुर का, नए राग का आलाप कर रहे हैं।
हमारे लिए आवश्यकता है कि लोकोन्मुख कार्यक्रम जीते, उसके बाद नेता की कोई कमी नहीं है। हमने सीने की लंबाई चौड़ाई पर एक व्यक्ति को देख लिया, हमें दिल वाला आदमी चाहिए, दिल वाली चाहिए, और वो जाहिर है कि इस मुल्क को सही दिशा देगा, भीड़ तंत्र से आज़ाद करेगा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा है कि कांग्रेस पर किसी दल को भरोसा नहीं है। समझौता जब स्वार्थ के आधार पे होता है, कुर्सी के आधार पे होता है, आप देखें कर्नाटक में कुमार स्वामी रो रहे हैं कि मुझे इतने तंग किए जा रहे हैं। कांग्रेस का फितरत रहा है कि सत्ता सुख के लिए कुछ भी करे और उसके बाद फिर यूज एंड थ्रो।